सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बायोलॉजी के 500 प्लस जो रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में, जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, उसका मैं सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें जो है 500 प्लस क्वेश्चंस को कवर करूँगा। उसका ये सेकंड पार्ट है। आप लोग अगर फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल पे सारे जो प्लेलिस्ट बने हैं उसमें मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी देख लें। और साथ ही साथ जो अलग अलग टॉपिक हो या फिर वो कैब, इन सारी चीज़ों का वीडियो डाला हुआ है, आप उन्हें जाके रिवाइज कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि आंवला में कौन सा विटामिन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवला में सबसे प्रचुर मात्रा में जो होता है वो विटामिन सी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने में कौन सा विटामिन जो है वो उपयोगी होता है। तो विटामिन ए जो होता है हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो धूप से जो है विटामिन डी मिलता है मुझे। नेक्स्ट है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो मछली का जो लीवर कॉर्ड ऑयल होता है उसमें विटामिन डी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो विटामिन ई जो है वह उपकला अर्थात एपिथीलियमी उत्तकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए जो है वह उपयोगी है। विटामिन ई से मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यह बॉडी के कुछ इंटरनल फंक्शंस को स्ट्रॉन्ग करती है। नेक्स्ट है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट मौजूद होती है, इसीलिए B12 की सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। सबसे तेज़ी से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बनता है। तो सबसे तेज़ी से जो हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन है वो है विटामिन डी आपका। नेक्स्ट है कि मानव अस्थि पंजर कंकाल में टोटल जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कितनी हड्डियाँ होती है। तो 206, ये मैंने बता चुका हूँ पहले वीडियो में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि उस विटामिन का नाम बताएं जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है। तो B12 जो है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है यह प्रचुर मात्रा में दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, जिसके कारण उनकी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से जो है वो विटामिन सी उसमें से निकल जाता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप यहाँ से एक पॉइंट और नोट डाउन कर सकते हैं कि विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील होता है, इसके अलावा जितने भी विटामिन है वह फैट में घुलनशील होता है। तो बी और सी जो है वो पानी के साथ निकल सकते हैं, क्योंकि वो पानी में घुलनशील होते हैं, तो पानी में घुल के जो है निकल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। तो बच्चों की, अभी मैंने बताया कि अंगों की अस्थियां से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा विटामिन जिसकी कमी के कारण पुरुषों और महिलाओं दोनों में बाध्यता आ जाती है, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से पुरुषों या महिलाओं दोनों में बाध्यता आ जाती है, मीन्स बांझपन आ जाता है, ऐसा उनकी जो है जनन कैपेसिटी डाउन हो जाती है। नेक्स्ट है कि किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो विटामिन ए का संश्लेषण जो है वो लीवर द्वारा किया जा सकता है। लीवर में जो ही विटामिन ए जो होता है वो स्टोर हो जाता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन ए ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वह लीवर में जाके स्टोर रहता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो काम आ सके। नेक्स्ट है कि विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बेरी बेरी रोग, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की घटक है। तो कोबाल्ट, मैंने आपको बताया कि B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो रक्त का थक्का जो जमता है, जैसे आपको कहीं चोट लगती है खून निकलता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ देखते हैं खून निकलना बंद हो जाता है, वहाँ रक्त का थक्का बन गया रहता है। तो रक्त के थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो विटामिन के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है। पाचक और श्वसन नलियाँ, ये दोनों अलग अलग नली होती है, तो यह कहाँ क्रॉस करती है। तो ग्रसनी में यह क्रॉस करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अन्न एक समृद्ध स्रोत है किस चीज़ का। तो स्टार्च का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शहद में मुख्यतः क्या होता है। तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, और शहद को फ्रक्टोज भी बोला जाता है क्योंकि यह फ्रूट के जूस से बना हुआ रहता है।
तो शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन शरीर में, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा जो करता है यह कौन सा अंग है? तो यह लीवर है, यकृत है। यकृत क्या करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को शरीर में जमा करता है। नेक्स्ट हमारा है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह रेनिन है। रेनिन एंजाइम क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो लीवर जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। कौन सा अंग है? लीवर है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट है कि आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव होता है आयरन और विटामिन सी का। अगर सिर्फ आप दूध पीते हैं इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं करते तो आपके शरीर में आयरन और विटामिन सी की कमी हो जाएगी। तो दूध में क्या नहीं मिलता है? आयरन और विटामिन सी, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए? मतलब उसको अगर कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उसको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो उसको क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, अर्थात या तो उसको ग्लूकोज दी जाती है या फिर केले में बहुत इंस्टेंट जो है कार्बोहाइड्रेट तुरंत मिल जाता है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट युक्त कोई भी चीज़ें खाने को दी जाती है जिससे उसके बॉडी में तुरंत जो है इंस्टेंट एनर्जी मिले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी रेड ब्लड जो कार्पोसल्स होते हैं उनका जो कब्रिस्तान कहाँ, वो कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाते हैं? तो वह प्लीहा। प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। स्प्लीन मीन्स होता है प्लीहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथियाँ कौन सी है? तो मिक्स ग्लैंड जो है वो हमारा लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथियाँ वो हमारा लीवर है, मिश्रित ग्रंथियाँ है ये। 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रोटीन। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वह है प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पक्षी और सबसे बड़ा पक्षी जो है वो हमारा शुतुरमुर्ग है। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। एक और फैक्ट इससे जुड़ी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वह इसके सर से भी बड़े आकार का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, या फिर सबसे बड़ी अंडा इसी के शुतुरमुर्ग का ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता तो लीवर। किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता तो कौन? लीवर। ये कौन सा अंग है? तो लीवर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है तो वसा। कार्बोहाइड्रेट के बाद जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है बहुत बढ़िया से, तो वह है फैट। कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अधिक अनिवार्य माना जाता है? तो हिस्टिडीन नाम का जो एमिनो एसिड है यह मानव के पोषण के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंडा, मटर और मछली में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो प्रोटीन। अंडा, मटर और मछली में जो कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट ऊर्जा उत्पन्न करता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुख से निकली लार पाचन करता है तो मंड। स्टार्च का। लार के किस चीज़ का पाचन करता है? तो स्टार्च का। स्टार्च को ही मंड बोला जाता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें भोजन जीव के अंदर प्रविष्ट होने के पहले ही पच जाता है? तो म्यूकस और राइजोपस में। म्यूकस और राइजोपस में क्या होता है कि भोजन जीव के अंदर प्रविष्ट होने से पहले ही पच जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त का स्कंदन मतलब हुआ रक्त का जमना, इसके लिए विटामिन के जो है बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो यह तुरंत ऊर्जा जो देती है वह कार्बोहाइड्रेट देती है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे मीठी शर्करा, सबसे ज़्यादा जो मीठी शर्करा होती है, चीनी होती है, वह कौन सी होती है? शुगर होती है, वो कौन सी होती है? तो फ्रक्टोज होती है, जो फ्रूट से बना होता है क्योंकि वह नेचुरल जो है वो मिठास रखता है। नेक्स्ट हमारा है कि हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत। लीवर हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके कारण होता है? तो दूध को कुछ देर खुले में रखने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वह एमिनो एसिड में बदल जाता है। प्रोटीन टूट के क्या बन जाता है? तो एमिनो एसिड। जब हमारा बॉडी में खाना डाइजेस्ट होते रहता है तो प्रोटीन टूट के एमिनो एसिड में बदल जाता है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त जो है वो लीवर से निकलता है। पित्त का स्रोत क्या है? तो लीवर से। पित्त जो है वो लीवर से निकलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि तंतु आहार में शामिल क्या है? तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? तंतु आहार में शामिल सेलुलोज। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है? तो शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो है वह स्वेदन नाम की ग्रंथियां जो है वह आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा कि वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट क्या है? तो वृक्क, वृक्क मीन्स होता है किडनी का प्रकार्यात्मक जो यूनिट है उसका है वह वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन। वृक्क का आप ऐसे याद रखेंगे, वृक्क का जो यूनिट है वह नेफ्रॉन है। नेक्स्ट है कि स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। मैंने अभी आपको बताया कि स्वेद ग्रंथियां जो होती है वो टेम्परेचर कंट्रोल करती है बॉडी में। नेक्स्ट हमारा है कि मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। संग्राहक वाहिनियों में क्या होता है कि जो हमारा जो यूरिन है वो संग्राहक वाहिनियों में बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? यह CPO 2005 में पूछा गया है। तो जब बॉडी में निर्जलीकरण होता है तो बॉडी के अंदर जो है वो वाटर और सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो अपोहन मीन्स डायलिसिस, डायलिसिस जो होता है वो गुर्दे, गुर्दे के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो मानव शरीर में गुर्दा जो होता है किडनी या शरीर के अंदर जल को संतुलित करने के लिए जो है वह उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कि मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डाययूरेटिक। डाययूरेटिक क्या कहते हैं? मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी होती है? तो डाययूरेटिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य घटक है एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन मूत्र में क्या पाया जाता है? तो एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? तो यह किडनी। किडनी जो है हमारा जो है बॉडी में डाइजेशन में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन किसका काम नहीं है? तो गुर्दा का, किडनी का। किडनी क्या करती है? प्रतिरक्षी तत्व में कोई काम नहीं करती है, यह सिर्फ डाइजेशन का काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होता है, तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? नहीं कर रहा होता है? तो यह है वृक्क मीन्स किडनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कीटोन निकाय क्या है? तो कीटोन निकाय मूत्र का असामान्य घटक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वे रक्त का निकाय कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? यह लसिका कोशिकाएँ हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में जो है वह सहायता करती है और यह ब्लड के अंदर जो है मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शरीर में वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि यह हार्ट है जो हमेशा पंप करते रहता है, चाहे हम सोते रहें जागते रहें जब तक अनटिल डेथ यह हमेशा जो है वो पंप करते रहता है, कभी रेस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है कि लसिकाणु कोशिका पैदा करती है प्रतिरक्षी। लसिकाणु लिम्फोसाइट कोशिका पैदा करती है क्या? तो प्रतिरक्षी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रिसर्पिन का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो है रिसर्पिन का उपयोग हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो रोग से लड़ने की शक्ति उत्पन्न करने वाला जो सेल है हमारे शरीर में कोशिका है वह है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो यह फुफ्फुस धमनी होता है, इसका फुफ्फुस धमनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसका सह संबंध रक्तचाप से है? तो जो ब्लड प्रेशर से जो जिसका संबंध है वह अधिवृक्क का संबंध ब्लड प्रेशर से है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां हैं? अभी बता चुका हूँ 206। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ब्लड के अंदर जो है वो आयरन पाई जाती है और आयरन के कमी से जो है वो अनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतंजित क्लॉट नहीं होता? मीन्स रक्त अंदर ही अंदर जमता नहीं है, यह हिपेरिन की उपस्थिति के कारण बॉडी के अंदर से रक्त जमता नहीं है। इसका क्या वजह है? इसका वजह है हिपेरिन। हिपेरिन की उपस्थिति के कारण जो है ब्लड बॉडी के अंदर नहीं जमता है। नेक्स्ट है कि सार्विक ग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है? तो ए बी प्लस जो होता है सार्विक ग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है? तो ए बी प्लस का होता है।
नेक्स्ट है कि किस रक्त ग्रुप में प्रतिजन की कमी होती है, तो ओ ब्लड ग्रुप में जो है वह एंटीजन की कमी होती है। नेक्स्ट है कि यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग एक का जो है ब्लड ग्रुप ए बी हो और दूसरे का ओ हो, तो उनके बच्चे का संभावित जो ब्लड ग्रुप होगा वह क्या हो सकता है, तो वह या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखें कि यदि माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी हो और दूसरे का ओ हो, तो उनके बच्चे का संभावित जो ब्लड ग्रुप होगा या तो ए होगा या बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो पहला जो सफल जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था वह किया था आपका सी एन बर्नार्डे ने। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी में 2007 में भी पूछा हुआ है कि सी एन बर्नार्डे ने पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, तो ईसीजी जो होता है वह हार्ट पंपिंग को जो है वो ग्राफ के रूप में दिखाता है, ईसीजी उसके लिए होता है हार्ट के लिए। नेक्स्ट है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.3 होता है या 6 होता है, इस 7.3 या 7.6 इसी के बीच में होता है। एक्यूरेट डाटा इसका 7.6 आप लोग करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रुधिर वर्ग का पता लगाया गया, जो ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया, तो लैंडस्टीनर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैंडस्टीनर। नेक्स्ट है कि वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो वयस्क मानव में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर के बीच होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है, तो महाधमनी जो है वह सबसे बड़ी रक्तवाहिका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में लोह की कमी से क्या परिणाम होता है, तो अरक्तता अनीमिया रोग होता है। मैंने अभी आपको लोगों को बताया कि लोहा की कमी से बॉडी के अंदर लोहा की कमी से जो अरक्तता या अनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, वह सभी को ब्लड दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति किसी व्यक्ति को रुधिर वर्ग किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है, तो मैंने अभी बताया कि ए बी वर्ग जो ब्लड ग्रुप होगा उनको किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो कार्डियोलॉजी। हार्ट या उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानवों का एक मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है, तो एक मिनट में लगभग 72 बार जो है हमारा हार्ट पंप करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर क्या होती है, तो 72। मैंने अभी ऊपर बताया है आप लोगों को कि दिल की धड़कन की स्पीड जो होती है वो 72 पर मिनट होती है, जो एक व्यस्क और क्या कहते हैं स्वस्थ मनुष्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव का सामान्य रक्तदाब ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 80/120 होता है। नेक्स्ट हमारा है कि गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका क्या है, तो वृक्क धमनी। गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका, जो गुर्दे को किडनी को जो रक्त की रक्त जो है ट्रांसपोर्ट करती है वह कौन सी है, तो वृक्क धमनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है, तो ब्लड मानव के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर में जो प्लाज्मा का परसेंट है वो 55% है। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, तो 55% इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा का परसेंटेज है वह 55% होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया कैसा रोग है, तो हीमोफीलिया जो है वंशानुगत रोग है। ये आप याद रखेंगे कि हीमोफीलिया जो है वंशानुगत रोग है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आगे का क्वेश्चन, आगे का सीरीज। आप लोग नीचे कमेंट में लिखिए कि कैसा लगा आपको वीडियो और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।